वाराणसी में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुजीत यादव को जान से मारने की धमकी दी गई। देर रात दो कारों से आए आरोपियों ने हथियार लहराते हुए सुजीत यादव को धमकाया। सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव ने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव में पार्टी की जीत तय है, इसी वजह से सपा कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही। सपा नेताओं ने SSP को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और सुरक्षा देने की मांग की है। कल रात को जिस तरह से हमारे पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी के कार्यालय पर जाकर खुली गुंडई हुआ है, उसी के खिलाफ आज हम लोग SSP से मिलने आए थे, वो है नहीं यहाँ पर, तो SPRA को हम लोगों ने मिलकर ज्ञापन देने का काम किया है और आपकी सुरक्षा की मांग की है कि इनको किस तरह सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जितनी हमारी आपकी है उतनी प्रशासन की भी है और हमें और एक आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है और ये हमारे जिले के अध्यक्ष हैं तो इनकी विशेष जिम्मेदारी। कल रात में 11 बजे एक स्कॉर्पियो 2 SWIFT DR कार से हमारे कार्यालय पहुंचे लोग रात में 11 बजे और असलहा लेकर और कुछ और बदमाश जो थे गाड़ी बैठे थे, जो हमारे चौकीदार जो हमारे आदमी हैं उन्हें पूछे कि जिला अध्यक्ष कहाँ है, तो बोले जिला अध्यक्ष जी तो अपने घर पर होंगे, यहाँ पर रात रहते नहीं हैं। तो उसके बाद गाली देना देना जो हमारे चौकीदार हैं जो काम करते हैं उनको गाली देते हुए 15 मिनट तक सब असलहा लगाए वहाँ पर और फिर सब निकल गए। घर के समीप उनके घर पर चढ़ के 3 वाहन सवार बदमाश असलहा लेकर पहुंचे थे, असलहा लहराते हुए पहुंचे, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दिया और उनके कर्मचारी को असलहा सटाकर उनको भयभीत करने का काम किया और निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं ये जिला पंचायत चुनाव जो आगामी माह में होने वाले हैं कहीं न कहीं इससे जोड़ के देखा जा रहा है। बताइए बदमाश जो है, कोई डर नहीं है बदमाशों के अंदर, कानून का इस्तकबाल समाप्त हो चुका, आतंक का माहौल पैदा कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब जिलाध्यक्ष हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या जो है बात मैं कर सकता।